गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो एक दो लोगों ने पूछा था कि BIT का OBC एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। चलो आज के वीडियो में हम लोग वही देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन के टाइम एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अप्लाई करते वक्त। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि ये जो PDF मैंने ओपन किया हुआ है वो लास्ट ईयर का है, 2020 का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ जहाँ भी 2020 लिखा है आप यहाँ देख सकते हो, ये सारा 2021 कंसिडर करना इस साल के लिए, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है इस साल का। तो नोटिफिकेशन तो है नहीं अवेलेबल, तो मैं लास्ट ईयर का ही कंसिडर कर रही हूँ। और हाँ, जिन लोगों को ये क्वेरी है कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो ये अप्रोक्स मान लेना कि 30 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। चाहे वो 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, इसी डेट के आसपास नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए इस साल का। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है PDF, ये है नोटिफिकेशन के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड था वो मेंशन किया हुआ था। एंड ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये है आपका प्रोविजनल लिस्ट के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उन्होंने लिखा हुआ था, तो वही आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि एडमिशन नोटिफिकेशन के टाइम उन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ था। एक तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या प्रोड्यूस करना है वो यहाँ पे मेंशन है, ये देख सकते हो। एंड जो अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उस समय क्या क्या अपलोड करोगे, तो ये यहाँ पे मेंशन है। चार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो इन चार डॉक्यूमेंट्स में है पहला क्लास 10th का मार्कशीट, फिर क्लास 12th का मार्कशीट, स्कोर कार्ड ऑफ GMAIN 2021 यहाँ पे कंसिडर करना, एंड BC सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल 2021 के बाद बना हो एंड जो SDO या उसके ऊपर के रैंक वाले के थ्रू ही साइन किया हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। आप यहाँ पढ़ सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बिलो डॉक्यूमेंट्स जरूरत होंगे, साथ ही साथ ओरिजिनल भी चाहिए एंड एक फोटोकॉपी भी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो एडमिट कार्ड ऑफ GMAIN 2021 वाला इस साल का, स्कोर कार्ड ऑफ GMAIN 2021 का इस साल का, फिर पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, फिर मार्कशीट ऑफ क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम का, फिर पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम का। नेक्स्ट है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट जो भी है तुम्हारे पास। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड लास्ट में है BC सर्टिफिकेट जो कि SDO या उसके ऊपर के अथॉरिटी द्वारा साइन किया हो एंड वो 1 अप्रैल 2021 के बाद ही बनाया गया हो। तो ये तो रहा वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो एडमिशन नोटिफिकेशन के टाइम मेंशनड है। अगर तुम प्रोविजनल लिस्ट के टाइम जो मेंशन किया हुआ था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एज प्रूफ करने के लिए, फिर मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ GMAIN, BC सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड फोटो आइडेंटिफिकेशन जो भी है, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड जो भी है तुम्हारे पास। एडमिशन और प्रोविजनल लिस्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस जहां तक तो मुझे दिख रहा है, फोटो आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें जरूरत पड़ेंगे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्लीज अपने स्कूल से वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेते आओ, या फिर BC सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो जल्दी से BC सर्टिफिकेट बनवा लेना। देखो, BC सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा अपलोड करे, CO वाला करे या DM वाला करे, SDO वाला करे। तो आजकल जोसा या फिर कोई भी सेंट्रल वाले जो भी इंस्टीट्यूशन है वो लोग सेंट्रल फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो सेंट्रल फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए दो स्टेज होते हैं। एक होता है लोअर लेवल पे तुमको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, चाहे वो प्रज्ञा केंद्र के थ्रू हो, CO के थ्रू हो, रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू हो, तो वो बनता है। एंड नेक्स्ट स्टेज आता है SDO, DM, ये सारे अथॉरिटी के थ्रू बनता है। तो SDO या DM का साइन जरूरत होता है वो सेंट्रल फॉर्मेट वाला होता है। तो देखो, ये जो लोअर लेवल वाला बनाते हो इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास लोअर लेवल वाला है जैसे प्रज्ञा केंद्र या फिर
सीओ वाला अगर सर्टिफिकेट है तो इसको रेफरेंस बना के एसडीओ वाला या डीसी वाला या डीएम वाला बहुत जल्दी बन जाता है। मे बी मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस में 1 सप्ताह लगेगा डीएम या एसडीओ वाला सर्टिफिकेट बनाने में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय।